अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारे लेसन का नाम है कायदे मिल्लत, मिल्लत कौम कायद रहनुमा, कायदे मिल्लत कौम का रहनुमा। इसकी रीडिंग करते हैं। जिन लोगों ने हमारा प्यारा वतन बनाने में ना सिर्फ कायदे आज़म का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, इन अजीम लोगों में एक अहम नाम लियाकत अली ख़ान का भी है। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान के लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें कायदे मिल्लत के नाम से भी याद करते हैं। कायदे मिल्लत का मतलब है कौम का रहनुमा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कायदे मिल्लत कौम का रहनुमा, और ये नाम किसका है? कायदे मिल्लत किसे कहा जाता है? लियाकत अली ख़ान को, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। लियाकत अली ख़ान 1 अक्टूबर 1895 में भारतीय पंजाब के एक ज़िला करनाल में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तलीम घर पर ही हासिल की। आपको अपने मज़हब से बचपन ही से बहुत लगाव था। बचपन से नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने का बहुत शौक़ था। आपको वर्जिश और क्रिकेट से भी दिलचस्पी थी। फारिग औकात यानी वक्त, वक्त की जमा है औकात, फारिग वक्त में क्रिकेट खेलना आपका महबूब पसंदीदा मशगला, हॉबी, एक्टिविटी, सरगर्मी, ठीक है, पसंदीदा मशगला था। मैट्रिक के बाद आपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया। एफए और बीए बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। इसके बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। 1921 में वहाँ से कानून की सनद हासिल की, कानून लॉ, ठीक है, और सनद डिग्री, यानी कल लॉ का इम्तिहान पास किया और डिग्री हासिल की और वतन वापस आ गए। आज की हम सबक की पढ़ाई यहीं तक करेंगे। यहाँ पे आज की तारीख लिखें और इसके अल्फाज मैंने देखें अगले पेज पे। लगाओ दिलचस्पी, शौक, महबूब पसंदीदा मशगला, सरगर्मी, महबूब मशगला पसंदीदा सरगर्मी, तकिया करना, भरोसा करना, फला भलाई बेहतरी, खुश असलूबी से अच्छे तरीके से, साबित कदमी मुस्तकिल मजाजी, बात पर कायम रहना, एक ही यानी अपनी बात पर कायम रहना, पहलू बगल बराबर। यहाँ आज की तारीख लगाएं, लिखें और यहाँ ये आपने अल्फाज मायने अच्छे ज़रा याद करने हैं। उसके बाद नोट्स खोलें। नोट्स में इस लेसन की आपको इमला दी गई है, कायदे मिल्लत, ठीक है, कायदे मिल्लत इमला। इमला के लफ्ज़ हैं बचपन, फला, भरोसा, मशगला, कानून, अकीदत, मकसद, ठीक है। ये 7 अल्फाज हैं जिनकी इमला की प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है ताकि आपको अच्छी तरह लिखना आ जाए। उसके बाद आपका जो उर्दू अलिफ का घर का काम है वो यही है कि आपने कायदे मिल्लत की आधी पढ़ाई जितनी मैंने करवाई है आपको और उसकी इमला और अल्फाज मायने अच्छी तरह याद करने हैं और अपने रजिस्टर पे लिखने हैं। उसके बाद उर्दू बी का आपका काम है कि आपने अपने नोट से ज़रूरी काम की दरख्वास्त याद करनी है और लिखनी है। ज़रूरी काम की दरख्वास्त आपने 3 क्लास में भी की हुई थी, इसलिए आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी लर्न करने में, ठीक है। आपने उसको निकालना है नोट्स में से, उसको याद करना है और अपने रजिस्टर पे लिखना है। चल, आज का लेक्चर यहीं तक। अब इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।